ब्रॉन स्ट्रोमैन एक ऐसे जानलेवा कुश्तीबाज जिनके रिंग में आते ही उनके प्रतिद्वंदी के पसीने छूट जाते हैं। चोक स्लैम और खतरनाक रनिंग पावर स्लैम से वो विरोधियों की कमर तोड़ देते हैं। 6 फीट 8 इंच का कद और 175 किलो का वजन उनको WWE की दुनिया का माउंटेन मैन बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन की पसंदीदा सुपर हीरो वंडर वुमेन है? और क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने WWE के पहले एक नाइट क्लब में सिक्योरिटी गार्ड का काम भी किया? जानेंगे उनकी निजी जिंदगी की कहानी और ऐसी कई बातें। लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूं। मैं हूं अश्विन चौहान और आप देख रहे हैं ग्लोबल कहानियां। ब्रॉन स्ट्रोमैन का असली नाम एडम जोसेफ स्केयर है और उनका जन्म 6 सितंबर 1983 को शेरिल्सफोर्ड नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में हुआ। उनके पिता का नाम रिक स्केयर है और वो अपने समय के सबसे बढ़िया स्लो पिच सॉफ्ट बॉल प्लेयर थे। उनको क्रशर भी कहा जाता था। नॉर्थ कैरोलिना के लोग लड़ने में और हट्टे कट्टे रहने में सबसे आगे रहते हैं। ब्रॉन भी बचपन से ही ताकत की एक मूर्त थे और वो कसरत और फिटनेस पर अपना पूरा ध्यान देते थे। स्कूल में भी ब्रॉन अपने दोस्तों से ज्यादा ताकतवर बनना चाहते थे और ताकत दर्शाना उनकी एक प्रकृति थी। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना हाई स्कूल खत्म किया और सिर्फ इतनी छोटी उम्र में ही उनका कद 6 फीट 5 इंच और वजन 150 किलो हो गया। देखा जाए तो वो कुश्ती के लिए ही पैदा हुए थे। ब्रॉन ने सबसे उम्दा कुश्तीबाज बनने की जैसे रट लगा ली और घंटों घंटों वो जिम में अपना समय व्यतीत करने लगे। जिम जैसे अब उनका दूसरा घर बन चुका था। लेकिन सब खूबियां के बावजूद उनको अपने करियर की शुरुआत दूर दूर तक नहीं दिख रही थी और उन्होंने फिर नॉर्थ कैरोलिना के एक नाइट क्लब में एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करना शुरू कर दिया। नाइट क्लब में अब वो शराब पिए आक्रामक लोगों को काबू करने लगे और ये काम उनके हट्टे कट्टे शरीर की वजह से बाएं हाथ का खेल था। नाइट क्लब में उन्होंने अपनी धाक जमा दी और वहाँ उनको 2 स्ट्रॉन्गमैन मिले। स्ट्रॉन्गमैन वो लोग होते हैं जो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं और उन्होंने ब्रॉन को भी एक स्ट्रॉन्गमैन बनने का सुझाव दिया। उन्होंने अपना करियर स्ट्रॉन्गमैन कॉरपोरेशन से शुरू किया। ब्रॉन ने फिर अलग अलग स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया और आर्नल्ड एमेच्योर स्ट्रॉन्गमैन चैम्पियनशिप भी जीत ली। उन्होंने SCL नॉर्थ चैम्पियनशिप में भी भाग लिया जिसमें वो 5वें स्थान पर रहे और जाइंट्स लाइव पोलैंड इवेंट मॉन्स्टर्स ऑफ द मिडलैंड स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन समर फेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में भी भाग लिया और अपनी ताकत से सबको भौचक्का कर दिया। ब्रॉन में एक अद्भुत गुण था, वो हर अवसर को लपक कर पकड़ लेते थे। इसी आदत ने उनको अपनी किस्मत अलग अलग जगह आजमाने की और अपनी असली ताकत को पहचानने की क्षमता दी। वो जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी कुश्तीबाजी की संस्था WWE की नजरों में आ गए और उनकी काबिलियत को देखते हुए बड़ी आसानी से उनको फ्लोरिडा के WWE परफॉर्मेंस सेंटर में साइन कर लिया गया। उन्होंने हर मौके की तरह इस मौके को भी बुनाया और अपना शत प्रतिशत दिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन का असली नाम एडम जोसेफ स्केयर WWE की दुनिया के लिए चटपटा नहीं था और इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर ब्रॉन स्ट्रोमैन रख लिया, जिसमें उनका सरनेम स्ट्रोमैन उनके स्ट्रॉन्गमैन करियर से प्रभावित था। उन्होंने अपना डेब्यू दिसंबर 19, 2014 को एक NXT लाइव इवेंट में किया और अपने पहले ही मुकाबले में चैड गेबल को खून के आंसू रुला दिए। उनके करियर को एक धमाकेदार शुरुआत मिली। अगस्त 24, 2015 को ब्रॉन रॉ के एक एपिसोड में आए और आते से ही घातक रूप से डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस पर उन्होंने धावा बोल दिया और अपने आप को ब्रे वॉट और ल्यूक हार्पर के साथ वॉइट फैमिली का तीसरा और नया सदस्य घोषित कर दिया। वॉइट फैमिली ने फिर डीन एम्ब्रोस, क्रिस जेरिको, रायनो, बब्बा रे डुडली और ब्रॉक लेसनर जैसे धुरंधरों को नाको चने चबवा दिए। 2016 में दुर्भाग्यवश ब्रॉन रॉ में चले गए और ब्रे वॉट स्मैकडाउन में चले गए और ब्रॉन अब वॉट फैमिली के सक्रिय हिस्से नहीं रहे और फिर उन्होंने अपने सिंगल करियर की शुरुआत की और एक से एक धुरंधरों को चारों खाने चित कर दिया। अगर उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात की जाए तो वो 3 काउंट नाम की एक फिल्म में दिखे हैं और फुटबॉल खेलना उनको बेहद पसंद है। वो ब्रे वॉल्ट को अपना मेंटर मानते हैं और फिर से वॉल्ट फैमिली से जुड़ना भी चाहते हैं।
आपको क्या लगता है, क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन भविष्य के ब्रॉक लेसनर हैं? और आप अगला वीडियो किस पर देखना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो लाइक करें, व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए ग्लोबल कहानियां।